जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी उपयोगी वीडियो है और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आज बात कर रहे हैं कि क्या आप अपने किसी मित्र रिश्तेदार को कर्ज दिलाने में मदद कर रहे हैं, यानी कि लोन गारंटर बन रहे हैं, तो ज़रूर से मदद कीजिए। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो लोन का गारंटर वह व्यक्ति होता है जिस पर इस बात की कानूनी जिम्मेदारी होती है कि यदि कर्जदार ने कर्ज नहीं चुकाया तो मैं फिर उसका कर्ज चुकाऊंगा, यानी कि कर्जदार के कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में कर्ज चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी गारंटी देने वाले व्यक्ति की होती है। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। लोन का गारंटर उस शख्स को कहा जाता है जिस पर कर्जदार के कर्ज नहीं चुकाने की हालात में कर्ज चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है, और ये सारी बात लिखित में होती है। इसका मतलब है कि यदि कर्जदार लोन नहीं चुका पाता है तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो फिर लोन गारंटर बनने के लिए आपको बिना सोचे समझे किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। गारंटर बनने का मतलब है कि आप सोच समझ कर ही गारंटर बन रहे हैं या आपने सारे कागजों को पढ़ लिया है। यूँ समझिए कि लोन आप ही ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ठीक है, दस्तखत ही तो किए हैं, साइन ही तो किए हैं, मेरा क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। गारंटर बनने के लिए बतौर गारंटर आपको आपका इनकम प्रूफ देना होता है, आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और अपनी संपत्ति, जैसे कि आपके पास क्या क्या संपत्तियाँ हैं, स्थायी संपत्तियाँ, उनकी जानकारी भी बैंक को या लोन देने वाली संस्था को देनी होती है। बैंक केवल आपके दस्तखत कर देने मात्र से ही आपको गारंटर नहीं बना देता है, वो आपकी समताओं को देखता है, फिर तय करता है कि आप गारंटर बनने के लायक हैं या नहीं हैं। तो गारंटर बनने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि आप किसी लोन के गारंटर बनते हैं तो यह जानकारी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में, सिविल स्कोर में भी दिखाई जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि लोन डिफ़ॉल्ट होने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका असर पड़ता है, यानी अब जब कभी आपको खुद को लोन लेना होता है ऐसी स्थिति में आपकी कर्ज लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। और हाँ, कभी कभी गारंटर बनने के बाद कुछ संस्थान आपको, कुछ बैंक आपको कर्ज देने से भी इनकार कर सकते हैं, या फिर आपको जो लोन दिया जाता है उस पर अधिक ब्याज वसूला जाता है। तो यदि आप किसी लोन के गारंटर बनने जा रहे हैं और कर्ज देने वाले आपके दोस्त या रिश्तेदार के द्वारा लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है, नहीं चुकाया जाता है, तो बैंक अपना पैसा, अपना कर्ज वसूलने के लिए सबसे पहले कर्ज लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम करता है। यानी कि बैंक गारंटर से पूछता है कि क्या वो उसका कर्ज चुकाने के लिए तैयार है। यदि गारंटर कर्ज चुका देता है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसी स्थिति में पहले बैंक मुख्य कर्जदार की संपत्ति से राशि वसूल करता है, और यदि इसके बाद भी राशि पूर्ण रूप से वसूल नहीं होती है तो फिर आपकी संपत्तियों का नंबर भी आ सकता है। यानी कि आप गारंटर की भूमिका को हल्के मान लीजिए। याद रखिए कि यदि आप किसी लोन के गारंटर बनने जा रहे हैं तो आपके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक बार गारंटर बन गए तो फिर आप पीछे हटना भी चाहें तो नहीं हट सकते हैं। बैंक आपको तभी स्वीकृति देगा जब आप मुख्य लेनदार से दूसरा विकल्प प्रस्तुत कराएं। इसके अलावा मुख्य कर्जदार, मुख्य लेनदार भी इस बात पर स्वीकृति दें। यानी एक बार आपने किसी की गारंटी दे दी तो आप पीछे नहीं हट सकते कि नहीं भाई, मैं गारंटर नहीं हूँ। तो ये भली बाती से समझ लें कि आपके किसी संबंधित मित्र या परिचित की मदद के लिए आप कदम उठाइए, मगर उठाया गया कदम आपका जोखिम भरा हो सकता है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लें। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी की सहायता ही ना करें, लेकिन इस विषय में कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में ना करें, सोच समझ कर करें। हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। यदि आप लोन गारंटर बन रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप केवल डिफ़ॉल्ट की स्थिति में ही सिर्फ उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप अपनी खुद की, स्वयं की कर्ज लेने की क्षमता को भी कम करने जा रहे हैं। यानी कि एक बार गारंटर बनने के बाद आपको आवश्यकता होने पर आपको पर्याप्त लोन नहीं मिलेगा, इस बात को भी दिमाग में क्लियर कर लें। वैसे हर लोन के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान गारंटी की मांग नहीं करता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लोन गारंटर की आवश्यकता होती है। जैसे यदि लोन की रकम बहुत ज़्यादा है तो बड़ी रकम के लिए बैंक गारंटर मांग सकता है। यदि कर्जदार का निजी क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट इतिहास, हिस्ट्री खराब है तो ऐसी स्थिति में गारंटर बनाया जाता है। अब जिस कर्जदार की निजी क्रेडिट स्कोर ही खराब है, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, तो समझ लीजिए कि अब अगर आप उसका गारंटर बन रहे हैं तो क्या होने वाला है।
या फिर यदि मुख्य कर्जदार की उम्र बहुत ज़्यादा अधिक हो, 70-80 वर्ष का हो, तो गारंटर की आवश्यकता होती है। या मुख्य कर्जदार का पैसा कुछ ऐसा हो कि जो जोखिम वाला हो, व्यापार जोखिम वाला हो, कभी भी डूब सकता है, तो ऐसी जगह पर लोन देने से पहले बैंक गारंटर लेती है। यदि मुख्य कर्जदार कम आय वाले समूह में हो, जिसकी आय इनकम कम हो, तब गारंटर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बैंक हर लोन में गारंटर नहीं लेती है, मगर जिसमें गारंटर लेती है तो उसमें यह समझिए कि आप गारंटर नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप खुद ही उसे लोन दिला रहे हैं या खुद ही उसे लोन दे रहे हैं, क्योंकि उसके लोन चुकाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो गारंटर बनने से पहले सोच समझ कर हस्ताक्षर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।